तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और यह वीडियो क्लास 12 का दिगंत भाग 2 का आपका चैप्टर नंबर 12 है, यानी कि सेकंड लास्ट है। इतना मज़ेदार ये है ना, ये कविता जो है हम तो इसको कहानी कहेंगे, लेकिन जान लीजिए कि ये गद कविता है। कविता का क्या, एक गद है। आप गद और पद तो समझते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा ये कविता का कौन सा कविता है, तो गद कविता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, गद कविता। उसके बाद इतना मज़ेदार इसमें चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत मज़ा आ जाएगा। समझिएगा, आप इस कविता को याद करने से पहले इससे ऑब्जेक्टिव आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। और थोड़ा सा इसके नाम में ही, कविता यानी लेखक के कवि के नाम में कुछ हम आपको ट्रिक बताएंगे, जिससे कि कुछ हद तक आपको इसमें ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। समझिएगा, वो अशोक का मतलब समझते हैं। अशोक, शोक माने दुख और अ लगा है, जिससे कोई दुख ना हो। और बताइए, किसी को अगर कोई दुख ना हो, आपको अगर कोई दुख नहीं, तो इसका मतलब कि आप नौकरी में हैं। यानी मान लीजिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं कि मतलब बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएं, ठीक है। तो जब ऑफिसर बन जाएंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, अशोक हो जाएंगे, यानी आपको भी शोक नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा। तो ये जो लेखक हैं अशोक, इनको कोई दुख नहीं है, अशोक है यानी बिना शोक के हैं। जब कोई दुख नहीं है तो इसका मतलब पक्का ये ऑफिसर होंगे, क्या होंगे, पक्का ऑफिसर। और ये कभी हार नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब ही जो भी लिखेंगे वो हार जीत वाले ही लिखेंगे, ज़्यादा मोटिवेशनल वाली बातें बोलेंगे, क्योंकि जो ऑफिसर रैंक पर चल जाते हैं वो अच्छा अच्छा मोटिवेशन देना तो जानते ही हैं। तो इन्होंने अशोक, जब दुख होगा ही नहीं, इन्होंने हार और जीत के बारे में ही लिखा है। और इन्होंने समाज के बारे में बड़ी बेइज्जती किया है, कि समाज और लोगों का इंसल्ट किया है, कि यार लोग भी अजीब होते हैं समाज में, उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा काम कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या है, ठीक है, बस करते ही चले जाते हैं। जैसे मान लो एकाएक हमको कोई आकर के बोले कि बधाई हो आपको लड़का हुआ है, और हम लगे यहाँ पर नाचने, खूब नाचे, सबको मिठाई करें, फिर सोचे लो मेरी तो शादी हुई ही नहीं है, तो फिर ये लड़का कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये हम बाद में सोचते हैं, लेकिन समाज में ये लोग नहीं सोचते हैं, बस गुड न्यूज़ सुना नहीं और पूरा का पूरा मिठाई बटवाना शुरू हो जाता है। लेकिन हम लोग को पता ही नहीं होता है कि हम लोग के मिठाई बटवाने के पीछे मकसद क्या है, हम लोग जो काम करते हैं उसका मकसद ही पता नहीं रहता है। यही जनता के बारे में बताया गया है कि जनता खूब नाचती है, कोई इलेक्शन जीत जाए, चुनाव जीत जाए, ठीक है, नेता लोग जो खूब डांस करती है, उसे ये भी पता तक नहीं होता है कि पहले कौन पार्टी जीता है, कौन पार्टी हारा है, कितना वोट से हारा है, जो हारा है उसका क्या कंडीशन है, जो जीता है उसका क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या जीतने वाले नेता अच्छा है, ये सब कुछ नहीं पता है, बस जयकारा लगाना शुरू और डांस करना शुरू। तो यही चीज़ें बताएगी कि समाज में लोग भी अजीब होते हैं। अब यहाँ देखिए, अशोक एक अधिकारी जरूर होंगे, ये पढ़े लिखे हैं क्योंकि इनको कोई दुख नहीं है। आते हैं इनके बारे में देखते हैं। वैसे ये मध्य प्रदेश, यानी कि समझिएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये दो से रिलेटेड इनका है। इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन ये निवासी थे कहाँ के, मध्य प्रदेश के सागर जगह के निवासी थे। अब बात आ गया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बाबू आपको एक चीज़ बता दें कि इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, इसमें लिखा जा रहा है, क्योंकि देखिए ये 1941 में इनका जन्म हुआ, 1941 में जन्म हुआ, और उस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों एक ही में था, तो उस वक्त मिला जुला के पूरा मध्य प्रदेश था। लेकिन ये तो अलग हुआ है 1 नवंबर 2000 को, ना अलग हुआ है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है, बहुत बाद में 2000 ईस्वी में अलग हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इनका जन्म यानी कि हुआ था छत्तीसगढ़ में, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक में ही था, और बाद में लेखक ये जब लिखे अपना कहानी कविता तो इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग नाम से लिखे हैं, क्योंकि वो तो मध्य प्रदेश अलग हो गया, ऐसे करके था आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ से ये टूट करके ये छत्तीसगढ़ बना और ये मध्य प्रदेश बन गया। अब यहाँ समझिएगा, अब ये सागर जहाँ के निवासी थे वहीं पे पढ़ाई भी किए हैं, क्योंकि सागर है भाई, दिल इनका बहुत बड़ा है, ठीक है, तो भाई पढ़े लिखे भी बहुत अच्छे थे। माता पिता का नाम, माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद था, बहुत आनंद था क्योंकि बेटा तो सेटल थे ना, तो परमानंद वाजपेयी थे। वैसे वाजपेयी और इसमें भी वाजपेयी नाम आप टिक कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा, वही बात है, सागर में ही होगा, कहाँ पे प्राथमिक शिक्षा, हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुआ था, और इन्होंने बीए भी सागर विश्वविद्यालय से ही किया है, लेकिन एमए जो किए हैं वो दिल्ली से किए हैं। कहाँ किए हैं, दिल्ली से। वैसे दिल्ली भी मतलब स्टूडेंटों का हब है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मतलब पढ़ने के लिए जाते हैं। सेंट स्टीफेंस, यहाँ पे इन्होंने एमए यहाँ से किया। इनकी वृत्तियाँ, वृत्तियाँ का मतलब इन्होंने अपने ज़िंदगी में क्या क्या पाया है, पढ़ करके क्या पाया है। जैसे वृत्तियाँ, हम बोले कि आपने अपनी आपकी ज़िंदगी की वृत्तियाँ क्या हैं, तो आप कहीं जॉब में हैं, कहीं नौकरी करें, ऐसा तो कुछ नहीं, आपकी कोई वृत्तियाँ नहीं, लेकिन इनकी वृत्तियाँ हैं,
ठीक है। इनके भैया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, आगे ना बात, इसीलिए ना इनको दुख नहीं है, जब किसी को दुख नहीं है तो उनका नाम हो जाता है अशोक, ठीक है। तो अशोक इनका कोई शोक नहीं था क्योंकि ये भारतीय प्रशासनिक यूपीएससी समझते हो, यूपीएससी उसी में इन्होंने यूपीएससी पास करके, अब उस समय की बात तो अलग है लेकिन समझिए तो आज के ज़माने में ये यूपीएससी पास किए हुए हैं, एक तरह से आप समझिए तो यूपीएससी पास करके ये अधिकारी बने। और हाँ, ये आजकल के ज़माने की तरह सोचते हैं, ये आधुनिक काल के कवि हैं, किस काल के कवि हैं आपसे पूछा जाएगा, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, यूपीएससी यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। और ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति, उस समय ये क्या होता है जब ये रिटायरमेंट हो गए, एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, और ये जब रिटायर हुए तो रिटायर के समय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति थे। सेवानिवृत्त माने होता है रिटायरमेंट, रिटायर के समय ये क्या थे, कुलपति थे। कहाँ पे, कहाँ के कुलपति थे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। अब इनको प्राइज भी मिला होगा, तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, लगभग लगभग सभी कवियों को साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, वो तो एग्जाम में बाबू पूछेगा नहीं। अच्छा आप बताइए वो क्यों पूछेगा, मान लीजिए कि जिसमें सब कवियों में लगभग कॉमन है साहित्य अकेदमी पुरस्कार, तो उसमें हम नहीं लिखे, लेकिन इनको भी मिला है साहित्य अकेदमी पुरस्कार, इनको जो मिला है वो बता रहे हैं। आप बताइए, एक ऑफिसर थे ना, ये क्या थे, ऑफिसर थे, तो इनको प्राइज भी उसी टाइप का मिला है, देखिएगा सब में ऑफिसर है, तो जहां भी ऑब्जेक्टिव में आप ऑफिसर देखिएगा तो सोचिए कि ऑफिसर टाइप का कौन पढ़ा लिखा है, एक व्यक्ति था जिसको कोई दुखे नहीं था क्योंकि वो नौकरी में था तो ऑफिसर था, तो याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। तो फ्रेंच भाषा का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये याद रखिए 2005 में दिया गया था, ऑफिसर वाला एक दिया गया था 2005 में जिसमें लेटर्स आ जाए वो समझिएगा 2005 में। और यहाँ पुलिस सरकार, पुलिस समझते हो लेकिन पुलिस लिखा है, पुलिस सरकार का ऑफिसर, ऑफिसर वाला आ जाए तो डायरेक्ट टिक मारेगा अशोक वाजपेयी, इतना तो आपको याद हो गया है जो 2004 में ये लिखा गया है। अब यहाँ इनकी कृतियाँ, इन्होंने क्या क्या लिखा है, वैसे तो ये 2-3 दर्जन कृतियाँ अपना लिखे हैं लेकिन सब थोड़े आपको याद होगा, ठीक है। इन्होंने लिखा है एक पतंग अनंत तक, इन्होंने ऊंचाइयों की बात की है क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति हैं भाई, ऑफिसर हैं, तो एक पतंग अनंत तक तत्पुरुष, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो आप कविता देख रहे हैं ना ये गद्य कविता, कौन कविता है, गद्य कविता है, हार और जीत गद्य कविता से लिया गया है, ठीक है, गद्य कविता है। और ये कविता कहाँ से लिया गया है, तो ये लिखा है देखिएगा कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, एक आपको कहानी या कविता मिलेगा कहीं नहीं वहीं, उसी से हार जीत लिया गया, आपसे पूछ जाएगा हार जीत कहाँ से लिया गया, तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी जगह, थोड़ी जगह दे दे मुझे, वही बात है थोड़ी सी जगह, ठीक है। घास में दुबका हुआ आकाश, इन्होंने लिखा, अविन्यू यही लिखे हैं, यहाँ पे समय के, यहाँ पे समय के पास समय, इतना देखो समय के पास समय, ये समय का बड़ा इम्पोर्टेंस समझते हैं क्योंकि भाई वही लोग अधिकारी बनते हैं जो अपने एक एक समय को सही मायने में इस्तेमाल करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते, तो वही बात है समय के पास समय, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे, इसीलिए आप समय रहते ही सुधार कर लीजिए वरना समय तो आपको सुधार ही देगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए उम्मीद का दूसरा नाम इन्होंने ही लिखा है, उम्मीद रखिए बस, उम्मीद का दूसरा नाम, एक स्तंभ लेख लिखे हैं ये, स्तंभ लेखन कभी कभार, ये स्तंभ लेखन है। और एक और द बुक रिवेन्यू के सलाहकार भी हैं, आपसे पूछा जाएगा द बुक रिवेन्यू के सलाहकार कौन है, अशोक वाजपेयी, और भाई ऑफिसर हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सलाहकार भी लोगों को सलाह भी दे सकते हैं। अब इस पूरे के पूरे कविता में क्या चर्चा किया गया है, यह कविता में शासक वर्ग जो आपके देश में राज कर रहा है वो, राजनीति, युद्ध, युद्ध में जो लोग, मान लीजिए कि युद्ध में कोई जीत गया कोई हार गया और पूरी जनता पूरा डांस कर रही है कि क्या हुआ क्या हुआ, पता ही नहीं जनता को, तो ये भी नहीं पता है कि कौन हारा है कौन जीता है, लेकिन डांस तो हो ही रहा है, पूरा गाना बजाना पूरा हो रहा है, पूरा ऑर्केस्ट्रा हो रहा है ना, क्या है कि नहीं, पूरा जबरदस्त तरीका से मजा लिया जा रहा है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वैसे हम लोग डांस क्यों कर रहे हैं, वैसे कौन जीत गया है, ये कुछ नहीं पता है, उस जनता को कोई मतलब नहीं है कौन जीता कौन हारा, जो युद्ध में हारा वो कहाँ का था, जो जीता वो कौन सा था, युद्ध में हारा तो मतलब जो युद्ध में हारा है उसको कितना दुख है, कितने लोग मारे गए, किसी प्रकार का जनता को मतलब नहीं है। लेकिन इस लेसन में एक व्यक्ति है गरीब, किस एक व्यक्ति है गरीब जो कि क्या करता है, पानी रोड का सिंचाई करता है, रोड का पटौनी समझते हो ना, सिंचाई करता है, रोड बनता है तो मिट्टी वगैरह उड़ता है तो पानी वगैरह गिराता है, उसी बूढ़े व्यक्ति
को पता है कि ये बेकारे डांस कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं जीत की खुशी में, जीत नहीं हुआ है, नेताओं की जीत की खुशी पर हम क्यों डांस करें, सब नेता एक ही जैसा होता है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ठीक है। जब तुम कामें नहीं करोगे, नेता आपको खिलाने थोड़े ना आएगा, आप कर्म कीजिएगा तभी कोई खिलाने आएगा, है कि नहीं। तो ये बात है, तो यही बात है इसमें राजनीतिक इतिहास और आम आदमी को लेकर के आधुनिक प्रसंगों के अनेक प्रश्न, इसमें आम आदमी को लेकर के अनेक क्वेश्चन उठाए गए। भाई सुनो, उठाया क्या गया है, वैसे तो डांस क्यों कर रहा है, पता नहीं, ठीक है, तुम इतना खुश क्यों है, अरे जीत गया, कौन जीत गया, पता नहीं। लो भाई, कुछ पता ही नहीं, उसी के बारे में यहाँ कविता में लिखा गया, हार जीत। यहाँ देखिएगा, वे उत्सव मना रहे हैं, कौन, जनता, ठीक है, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, पूरा लाइट साइट का व्यवस्था एकदम किया जा रहा है, भाई कोई जीत के आ रहा होगा, ठीक है। उन्हें, ये कौन बोल रहा है, अशोक वाजपेयी जी बोल रहे हैं, उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके आ रही है, सभी लोगों को बताया गया है युद्ध में उनकी सेना क्या विजय प्राप्त करके आ रही है। अब ये भी पता नहीं है कि किस में लड़ाई हुई है, बस अरे पता है आप जीत गए हो। अब मान लीजिए हम आपसे बोले कि पता है आप ना मतलब जीत गए हो, अब पूरा आप डांस कीजिए, फिर सोचिए कि हम जीत गए पर हम एग्ज़ाम दिए थे या किस में जीत गए पता ही नहीं, तो ये चीज़ें हो जाता है, ठीक है। नागरिकों में से ज़्यादातर को पता ही नहीं, देखिए, कि युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, ये भी पता नहीं कि उनकी सेना सही में गई थी युद्ध में, ठीक है। यहाँ देखिए, युद्ध किस बात पर था, क्यों युद्ध हो रहा था, ये भी उनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा लाइट साइट सजा रहे हैं, अरे बाप रे जीत के आ रहा है। ये भी पता नहीं है कि कौन सी सेना गई थी, कहाँ गई थी, किस देश से लड़ाई करने गई थी, कौन सा राजनीतिक नेता जीता है। ये कभी कभी नेता के तरफ भी रिलेशन इंडिकेट करता है, कभी कभी युद्ध के तरफ भी इंडिकेट करता है। यह भी नहीं पता है जनता को कि शत्रु कौन था, ये भाई किससे लड़ने गई थी, ये भी नहीं पता था, लेकिन हाँ जीत गई तो डांस कर रहे हैं, ठीक है। पर भी विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है, एकदम बिजी है, एकदम थोड़ा सा उनको कोई बोला है थोड़ा सा काम, अरे नहीं नहीं भाई हम काम नहीं करेंगे, अरे हमारी सेना जीत गई है, किससे जीत गई ये भी नहीं पता है, लेकिन पूरा का पूरा व्यस्त है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, सेना इतना पता है। देखो यहाँ उनकी से क्या आशय है, उनकी मतलब क्या, उनके जनता, उनके राज्य की सेना या उनके नेता लोग, किसका, यह उनकी से क्या आशय स्पष्ट हो रहा है, भाई किसकी सेना जीती है, यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी का मतलब क्या होता है, बस पता है जीत गए हैं। अब पता ही नहीं कि कौन जीत गया है, जो आपके देश के नेता है वो जीत गया है, मतलब कि आपके देश के सैनिक है वो जीत गए हैं, कि जो दूसरा सैनिक है वो जीत गया, बस जीत गए हैं, पता ही नहीं चला। हम आपके आ करके बोले कि पता है कल वाले मैच में ना मज़ा आ गया, जीत गए हैं। लो भाई कौन जीत गया है, हिंदुस्तान जीता, पाकिस्तान जीता या फिर बांग्लादेश ही जीता। पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि मैच किस में हुआ है। यहाँ तो जनता इतनी भोली भाली है कि यहाँ पे उसको पता ही नहीं है, और इसी भोली भाली का फ़ायदा उठाते हैं हमारे नेता मशरूम लोग, ठीक है, वही बात है। यहाँ देखिए, किसकी विजय हुई है, सेना की, किसकी, यहाँ पे शासक की या फिर नागरिकों की, किसकी जीत हुई है ये भी नहीं पता है, लोगों की जीत हुई है कि शासक की जीत हुई है कि सेना की जीत हुई है। एक अब क्वेश्चन पूछा था जो 5 नंबर में पूछा था, ध्यान से बाबू समझिएगा, ये लाइन दे दिया था, ये किसकी विजय हुई है, सेना की कि शासक की, किस नागरिकों की, यह जो पंक्ति है यह किस पाठ से लिया गया है, तो आप याद रखिए जो जीत हार वाला है ना, यह हार जीत से ही लिया गया है, ठीक है, ये याद रखिए। किसी के पास पूछने का अवकाश भी नहीं, किसी के पास पूछने का समय ही नहीं है, क्योंकि वो तो लाइट साइट लगाने में व्यस्त है, ठीक है। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे, ये भी नहीं पता है कि हमारे सैनिक जो लड़ने गए हैं कितने गए हैं, कितने विजयी वापस लौटे हैं, और जो बच गए हैं वो कितने लौट के आए हैं, ठीक है। खेत रहने वाले की सूची, अब खेत मतलब होता है मरा हुआ, अब जब लड़ाई होता है तो कोई ना कोई तो मरबे करेगा ना, ये तो भाई हम लोग देख ही रहे हैं, तो ये भी हमारे पास सूची नहीं कि कितने सैनिक मारे गए, ठीक है। खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है, वो पता ही नहीं है, प्रकाशित हुआ ही नहीं, कोई बताया ही नहीं, बस जीत गए हैं, खुशी मनाया जा रहा है। सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति ही था, अब देखिएगा मशक वाला, अब कहिएगा सर ये मशक वाला क्या होता है, देखिए बूढ़ा व्यक्ति मशक वाला इसे बोलते हैं, मशक वाला मतलब कि पानी से सिंचाई करने वाला, जब सड़क बनता है तो उस पर मिट्टी वगैरह रहता है तो पानी से सिंचाई किया जाता है, या फिर आप एक और चीज़ मशक का मतलब समझिएगा, आप किसी पुराने फिल्म में देखे होंगे जब युद्ध किया जाता है तो सैनिक जब गिर जाता है और उसे प्यास लगा होता है तो छोटा सा पोटली रखता है, वो क्या बोलते हैं कपड़ा का भी हो सकता है, उस कपड़ा के अंदर जब पानी रखने वाला कोई चीज़ होता है जिसे ऐसे ऐसे काम ऐसे कर देगा, कंधा में ला के ऐसे पानी पिलाया जाता है, किसी मूवी में आप देखे होंगे, तो वही है मशक।
जिसमें पानी रखा जाता है, पानी का बर्तन रख दिया जाता है उस कपड़े में, और कपड़ा को मशक बोला जाता है, वो कपड़ा चमड़ा का भी हो सकता है, ठीक है। जो सड़क को सींचता हुआ कह रहा है, अब बूढ़ा व्यक्ति जो है मशक वाला सड़क को सींचता हुआ कह रहा है, हम एक बार फिर हार गए हैं और गाने बजाने के साथ जीत नहीं हार करके हमारी सेना लौट रही है। हम जीत करके नहीं लौट रहे हैं, हमारा क्या जीत हुआ है, वो कोई भी नेता जीते, हमको अपना काम करके ही खाना है, कोई हार है हमको वही काम करके खाना है। तो यही बोल रहा है कि वो हमारा हार नहीं हुआ, जीत नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, अब बूढ़े व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं, चलो सिंचाई करने वाले पर कौन ध्यान देगा। अच्छा बताइए, छोटे मोटे मजदूर पर देखिएगा कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि बात वो एक एक बात सही कहता है, ठीक है। अगर उसको सही जवाब देने के लिए बोल जाए कि कुछ सरकार के बारे में बोलो, तो वही गरीब व्यक्ति जो होगा जो मेहनत करके खाता है वो सरकार के बारे में सब कुछ सही बयां करेगा। लेकिन जो थोड़ा सा पैसे रुपया लेंगे वो किसी न किसी पार्टी में मिल गया एक सरकार का बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, समझ रहे हो ना, उन्हीं के समझ जाइए अब जिस तरह भी हो। यहाँ देखिए, और अच्छा यह है कि उस पर सड़क सींचने का जिम्मेदारी है। यहाँ समझिए, एक मिनट, यहाँ एक छोटा गाना बजाना हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है उस पर कोई बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि भाई सेना जीती क्या है, हार के ही आ रही है, ठीक है। अब ये भी नहीं पता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब सेना जीत के आ रही है कि हार के आ रही है, कौन जीत रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि भाई पूछेगा कि अरे कौन जानता है कि सेना जीती है कि हारी है। अब ऐसे भी एक राजा की क्वालिटी समझ लीजिएगा, अगर राजा जीत के आएगा तभी सैनिक के साथ घर लौटता है, और हार के भी आएगा तो चारों तरफ देखना, नेता लोग जब हार के भी जाते हैं ना तो 10-12 आदमी को लेके ही जाते हैं, ताकि लोगों कहे पता है क्या, अरे फिर भी इनका बहुत पकड़ था, थोड़ा सा वजह से हार गए, थोड़ा सा वोट से अपना बेइज्जती भी करने से बचाते हैं। अब देखिए, और अच्छा यह है कि उस पर सड़क सींचने की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं। और अच्छा है कि वो जो बेचारा गरीब है ना, उसको सड़क पटौनी यानी सिंचाई करने की जिम्मेवारी है, सच पर बोलने की जिम्मेवारी नहीं है, नहीं तो सब कुछ नेता के बारे में सच्चे बताता कि अरे ये क्या करता है, ठीक है हुआ हार गया तो, ठीक है। ये उस वो क्या बोलते हैं, ये उस मशक वाला के बारे में, उस बूढ़ा व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, जिस पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौटेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आपको नहीं, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, जिस पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। अब देखिएगा, जिस पर, अब जितना भी ये सब बात हुआ है, कोई भी राजनेता अगर जीत के आता है तो क्या करता है, एकदम सेना के साथ ही लौटता है, यानी पूरे लोगों के साथ ही लौट रहा है। अब वो जीता है कि नहीं जीता इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस पर, वो हमेशा क्या करता है, सेना के साथ ही लौटता है। जब हारेगा तो भी 20 आदमी को लेकर के घूमेगा, और जीतेगा तभी 20 आदमी को लेकर के ही लौटेगा। इससे लोगों को ये पता नहीं, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करता है कि नहीं भाई इनका पावर है, कुछ भी हो जाए फिर भी इनका पावर है। तो फिर भी जो वर्ड होता है ना उसी को नहीं बोलता है कि जिस पर, जो फिर भी वर्ड है ना उसी को ये जिस पर इस्तेमाल किया गया है। जिस पर हमेशा वो क्या करता है, फिर भी वो सेना के साथ ऐसा लगता है कि जीत कर ही वापस आ रहा है, भले ही वो हार गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेसन में समझ जाइए, पहले इस लेसन में कुछ खास नहीं बताया गया, एक ही चीज़ बताया गया है कि हमारी जनता कितनी भोली भाली है, उसको कुछ कोनो चीज़ से मतलब ना है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हार रहा है तो क्यों हार रहा है, कितनी सेना लेकर के गया था, कोई मतलब नहीं है। बस भोज मिलना चाहिए, हम लोग चले जाएँ कहीं जा करके खा लें, और खाने के बाद कुछ एक बात बताइए, हम तिलक में आए थे कि बारात में, ये वो ना पता होता है कि बर्थडे किसी का नहीं ना था, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, जबकि समाज में मतलब जनता को ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको नहीं होना चाहिए, अरे उस बेवकूफ़ समाज में हम और आप भी आ जाएंगे बाबू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा। तो आया है तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक के बटन को दबा के अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिए। हम जानते हैं कि आप, बस हम लोग कहते हैं कि शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन करते नहीं है। अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि हाँ ये समझ में आया हो, और हमको जहाँ तक लग रहा है ये समझ में आया भी होगा, तो आपको फी तो नहीं देना है, लेकिन फी के रूप में एक काम आप जरूर कर सकते हैं, लाइक के बटन को दबा दीजिए। वही मतलब हम लोग के लिए वही सब कुछ है, और आपका रिजल्ट सब कुछ है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट आखिरी लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।